हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास गूगल क्रोम में ये एरर आ रहा है, एरर कनेक्शन टाइम आउट, तो आप इस एरर को कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको जो है विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल, उसके बाद आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर इंटरनेट ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर कनेक्शन टैब में आना है, उसके बाद आप यहाँ पर लैन सेटिंग पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर इन दोनों बॉक्स में जो है आपको अनचेक करना है। अगर आपके पास ये चेक है इस तरीके से, तो आप उसको अनचेक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप इस सेटिंग को क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है सर्विसेज, फिर आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है क्रिप्टोग्राफिक सर्विस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको राइट क्लिक कर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। और आपको यहाँ पर उसके बाद आपको जो है यहाँ पर लॉग ऑन के ऊपर क्लिक करना है। फिर आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों बॉक्स में आपके पास अनचेक होना चाहिए, लोकल सिस्टम अकाउंट और यहाँ पर अलाउ सर्विस टू इंटरेक्ट विथ डेस्कटॉप, इन दोनों बॉक्स में आपके पास अनचेक होना चाहिए इस तरीके से। उसके बाद आप अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आप यहां पर इस सेटिंग को क्लोज कीजिए। उसके बाद आप जो है यहां पर इस सेटिंग को क्लोज कीजिए। फिर दोस्तों, आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कमेंट प्रॉम्प्ट, उसके बाद राइट क्लिक कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर इंटर प्रेस कर देना है। फिर दोस्तों, आपको यहाँ पर एक और कमेंड जो है टाइप कर देना है, इस तरीके से आप टाइप कर यहाँ पर इंटर प्रेस कीजिए। उसके बाद आप जो है कमेंट प्रॉम्प्ट को क्लोज कीजिए। फिर दोस्तों, आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल, उसके बाद आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। फिर आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आपको क्लिक करना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में चेंज अडाप्टर सेटिंग, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क सेलेक्ट कीजिए, आपका जो भी वाईफाई नेटवर्क है। उसके बाद राइट क्लिक कर प्रॉपर्टी पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। और यहाँ पर यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर, आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर प्रीफर्ड DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अल्टरनेट DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप करना है। फिर आप ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर से आप ऑल सेटिंग्स को क्लोज कीजिए। फिर आप अपने PC को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।